सो नाउ इफ यू आर कनेक्टिंग सॉरी इफ़ यू आर मेकिंग अ डेफिनीशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन दू मस्ट राइट ऑर्गेनिजम विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिश आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्रॉप्स दैट इज ग्रीन प्लान्ट मैं ये बात कर रहा था कि ग्रीन प्लांट्स को लेकर के अगर आप डेफिनीशन करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ग्रीन प्लान्ट अपना खाना बनाता है तो ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल गलत डेफिनेशन है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ दैट सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दैट सो आर दे नॉट ऑटोट्रॉप्स विल दैट प्रोसेस विल नॉट बी कवर्ड इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एग्जैक्टली ऑब्वियसली वो भी काउंट होंगे तो फिर आपका डेफिनेशन जो है वो कन्फाइंड है ग्रीन प्लांट्स तक क्यों इट मीन्स योर डेफिनेशन इज Not uh, complete. It is not covering all the organism. So instead of writing that green plants, you must write organism there. Organism will include each and every component of the living organism that do that type of nutrition. So your definition will be it is a process in which an organism prepare their own food. Example may apply green plants. ऑप्शन है एग्जाम्पल में आपका ग्रीन प्लांट्स रहना चाहिए उसके बाद आइए ऑटोट्रॉप्स क्या यूज़ करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है फिर उनको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ दी प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स या फिर ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप टेक इन सी ओ टू दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर And convert these into carbohydrates in presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. This is complete definition. And the equation 6CO2 plus 12H2O, chlorophyll or sunlight ke presence me, will get glucose that is C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. So this is the whole reaction that occurs. Next is the raw material. फॉर फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में है ना और फिर कैसे कैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज बनते हैं वो सबरा इसके अंदर आ जाएगा देखिए सबसे पहले तो सनलाइट और क्लोरोफिल सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं क्लोरोफिल के द्वारा जो स्टोमेटा में पाए जाते हैं ग्रीन लिप्स के अंदर कार्बन डाईऑक्साइड ये इंटर्स थ्रू दोमेटल पोर्स और जिसके अंदर से फिर ऑक्सीजन के साथ इसका एक्सचेंज होता है इज़ रिलीज बाई एज अ बाई प्रोडक्ट थ्रू दिस टोमेटा ऑन लीव्स वाटर वाटर के साथ डिजोल्व मिनरल्स होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस दैट आर टेकन अप बाई द रूट्स ऑफ दॉयल नीचे से उस रूट के द्वारा ये आते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है लीव्स के अंदर अगर पूछेगा तो क्लोडोप्लास्ट होगा अगर प्लांट्स के अंदर पूछेगा तो लीफ होगा और आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है ट्रैप्स सनलाइट मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है पहला एब्जॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल दूसरा है कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग दैट इज़ ब्रेकिंग ऑफ ऑफ दी वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीसरा है रिडक्शन ऑफ सी टू कार्बोहाइड्रेट ये रिड्यूस हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में है ना और फिर फंक्शन क्या है फंक्शन है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्टोमेटल पोर्स के थ्रू और ये जो इस्टोमेटल पोर्स है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन गार्ड करता है आप जानते हैं गार्ड सेल इट लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन आप जानते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द दटल पोर्स आर नोन एज ट्रांसपीरेशन इसको हम एक तरह से प्लांट का एक्सक्रीशन भी बोलते हैं ये आपका आप अच्छे से इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए इसको कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा क्लोरोप्लास्ट है स्टोमेटल पोर्स है बीच में उसके बाद गार्ड सेल है जो इसको आ, इसको पल्पी बना देते हैं स्वेल कर देते हैं तो उस टाइम में ये बंद हो जाता है फिर ये जब सिकुड़ते हैं तो ये खुल जाता है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि जो इसका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे उसमें क्या क्या होता है उसके कई टाइप है होलोजोइक सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक इसको हम लोग पढ़ेंगे सो दैस दैट इज़ टुडे ऑल अबाउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन थैंक यू